हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है इंग्लिश लर्नर्स के लिए और आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के बारे में। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, इसके रूल्स, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर उनको देखेंगे कि किस तरीके से हम उनकी इंग्लिश बना सकते हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैं आपको गाइस पूरा का पूरा प्रेजेंट करा चुकी हूँ। प्रेजेंट के जो फोर टाइप के टेंसेज होते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हमने हमारे जो पास्ट के फोर टाइप के टेंसेज होते हैं उनको भी ऑलरेडी कवर कर लिया है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, इससे पिछली फ्यूचर की दो वीडियो और आ चुकी हैं, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखें, शुरू से लेकर के चले अपने सारे के सारे टेंसेस को, तो आपके सारे टेंसेस वहां से आई होप क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ गाइस, अगर आपको पता नहीं है कि आपके जो टेंस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, बिगनर हो आप, जस्ट एक आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे शुरुआत करें, तो आप एक वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो वो वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए ही बनाई थी कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर देख सकते हो। इसके अलावा आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिएगा शुरू कर लेते हैं। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर कोई भी डाउट आए सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं उनकी पहचान क्या है। जैसा कि गाइस आप नाम से ही समझ सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में जो काम हमारा हो चुका होगा। परफेक्ट हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट के अंदर हमने परफेक्ट डिस्कस किया था, उसके बाद हमने पास्ट के अंदर परफेक्ट डिस्कस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसी तरीके से ये जो हमारा है फ्यूचर का परफेक्ट है। अभी देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, सिंपल सी बात है, कोई भी आपका फ्यूचर का टेंस है तो उसमें होगा, होगी, होगे, इस तरीके के वर्ड ही आपके आएंगे क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, आने वाले समय की, ठीक है। अब परफेक्ट का मतलब जो काम आपका फ्यूचर में हो गया होगा या हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया होगा, तुम स्कूल पहुँच गए होगे। अब मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकती हूँ कि तुम स्कूल पहुँच गए होगे या फिर तुम स्कूल पहुँच चुके होगे। तो आपका ये सेंटेंस हिंदी में दोनों तरीके से बोला जा सकता है कि तुम स्कूल पहुँच गए होगे या फिर तुम स्कूल पहुँच चुके होगे। गए होगे या चुके होगे, दोनों का मतलब ही आपका क्या है कि ये काम फ्यूचर में हो गया होगा या हो चुका होगा। तो इस तरीके से इसकी जो पहचान है वो ये है कि मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब आपको पता है जैसे कि आना जाना, नहाना खाना धोना पीना, जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं, जितने भी हम लोग काम करते हैं वो सारी की सारी मेन वर्ब होती हैं। तो मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, सारे वर्ड्स हम लोग के आते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के अलावा इसमें लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, दी होगी, की होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने खाना खा लिया होगा, उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली होगी, पी ली होगी, ठीक है। तुमने मुझे फ़ोन दे दिया होगा, है ना, तुमने उससे आइसक्रीम दे दी होगी, तुमने उसे आइसक्रीम दे दी होगी, है ना, उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा। तो जो भी काम हो गया होगा या हो चुका होगा वो सारे के सारे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस होंगे। चलिए गाइस, अभी हम लोग इसकी देख लेते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट और सेकंड टाइप का रूल। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा अफर्मेटिव है उसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट विल हैव। पहले मैं आपको गाइस ये बता दूं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते क्या हैं। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो लेक्चर में बताती हूँ कि अफर्मेटिव आपके वो टेंसेज होते हैं जिनके अंदर कोई भी जो है हमारा वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई भी नेगेटिव साउंड आपका ना आए, है ना, कोई भी नकारात्मक वाक्य उसमें ना हो, बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मैंने खाना खा लिया होगा, तुम वहाँ पहुँच गए होगे, तो ये हमारा एकदम पॉजिटिव सेंटेंस है, ना तो इसमें नहीं का इस्तेमाल है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन हो रहा है। तो अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह देते हैं, तो जिसमें हमारा बिल्कुल सकारात्मक हमारा सेंटेंस हो वो हमारा अफर्मेटिव होता है। उसके बाद गाइस हमारा नेगेटिव, नेगेटिव वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का सेंस हो। अगर मैं कहूँ कि तुम वहाँ नहीं गए होगे, तुम उसे नहीं मिले होगे, तुमने खाना नहीं खाया होगा, तुमने पानी नहीं पिया होगा, तो आप समझ सकते हो नेगेटिव है बिकॉज इसमें जो है हमारा नॉट वर्ड यूज होगा। इसके अलावा गाइस हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में हम उन सेंटेंस को रखेंगे जिनके शुरुआत में क्या शब्द आ रहा हो। जैसे कि क्या तुम उससे मिले होगे, क्या तुमने उससे फ़ोन पर बात कर ली होगी, क्या तुम वहाँ पहुँच गए होगे, क्या हमने जो है पिज़्ज़ा खा लिया होगा,
क्या तुम शादी में चले गए होगे। तो ये जो हमारे क्या से शुरू हो रहे हैं, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद गाइस हमारे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारा हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड मिले, जैसे कि तुम वहाँ कब पहुँच गए होगे, तुमने उससे बात क्यों कर ली होगी, वह यहाँ क्यों आ गया होगा, हम उससे क्यों मिले होंगे, ठीक है, क्यों मिले होंगे, कहाँ मिले होंगे। तो ये जो आपके सारे के सारे वर्ड्स हैं ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं और इनको हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग इसके रूल को देख लेते हैं गाइस। हमारा जो अफर्मेटिव है उसका जो रूल है वो ये है, सब्जेक्ट, उसके बाद है हमारा विल। विल इसमें हमारी गाइस मेन हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हर एक टेंस के अंदर आपकी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है जो उस पूरे सेंटेंस का बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। विल के साथ आप, क्योंकि हमारा ये परफेक्ट है, परफेक्ट में हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि हैव आपका लगा था, हैज़ या हैव थे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट के अंदर हमारा हैड वर्ड यूज़ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। विल के साथ हम लोग लगाएंगे हैव, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, आपकी जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल, हैव लगाएंगे हम साथ में उसके, ठीक है। हैज़ यहाँ पर नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, खाली हैव ही हमारा आना है। उसके बाद क्योंकि परफेक्ट वाले टेंसेज है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने जब प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस पढ़े थे उनमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, और पास्ट के परफेक्ट के अंदर भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुई थी। इसी तरीके से जो आपके फ्यूचर के परफेक्ट है उनके अंदर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमारी यूज़ होगी। तो इस तरीके से आपके अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का जो गाइस रूल है, जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं नकारात्मक हमारे सेंटेंस होते हैं ये, तो इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल। विल के तुरंत बाद आप यहाँ पर नॉट लगा दोगे। मैं आपको हर एक वीडियो लेक्चर में यही चीज़ बताती हूँ गाइस कि जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारा नॉट आता है, ठीक है। तो ना तो हमारा तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ना ही हेल्पिंग वर्ब के बहुत बाद में जाके, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारा नॉट आएगा। नॉट कभी भी हम अकेला नहीं लगाते, नॉट को सपोर्ट करने के लिए वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। और बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल, विल के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगाएंगे और उसके बाद हैव। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे दोनों वर्ड हैं विल हैव, इनके बीच में हमने नॉट को यहाँ पर लगाया है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा नेगेटिव का रूल हो गया। अभी हम मूव ऑन कर लेते हैं टू इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। सो गाइस आपके जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं वो क्या वाले सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत में हमारा क्या आ रहा हो, कि क्या हम वहाँ चले गए होंगे, क्या तुमने इंग्लिश सीख ली होगी, क्या उसने न्यूज़पेपर खरीद लिया होगा, क्या वह बुक पढ़ चुका होगा, तो ये हमारे क्या से शुरू होते हैं। हम क्या करेंगे गाइस, मैं आपके को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जब कभी भी हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाते हैं, मतलब क्या वाले सेंटेंस बनाते हैं, तो उनमें हम क्या के लिए व्हाट यूज़ नहीं करते। जहाँ हमारा हिंदी वाक्य में शुरुआत में क्या आ रहा हो तो वहाँ पर हम व्हाट यूज़ नहीं करते, हम जस्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले नंबर पर ले आते हैं और हमारे सब्जेक्ट को यहाँ पर दूसरे नंबर पर पहुँचा देते हैं। आप देख सकते हो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट पहले है और हेल्पिंग वर्ब बाद में है। क्या वाले सेंटेंस में क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में। अगर इंटरोगेटिव में नॉट भी है, नेगेटिव ही है, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब आपका हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्टली विल पुट क्वेश्चन मार्क। चलिए आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप जिनमें हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कि तुम वहाँ कब चले गए होगे, तुमने खाना क्यों खा लिया होगा, उसने उसे कब देखा होगा। तो जो भी हमारे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हमारे जो वर्ड होते हैं ये सारे सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और ये वाले जो सेंटेंस हैं उनका रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले आ जाता है जब हम इंग्लिश में उसको बनाते हैं। तो जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश आप सबसे पहले लिख दोगे। और उसके बाद गाइस हमारा जो पूरा रूल है वो ये वाला रूल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, देन आपका हैव, उसके बाद वर्ब
की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइम पे जस्ट इतना ही फर्क है कि क्या वालों में हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, और ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख के बाकी यही वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से सारे के सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको रूल समझ में आए हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दे अगर अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या फीडबैक है। इसके अलावा गाइज आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और साथ ही साथ अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट्स हैं, आप 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे NIS बोर्ड से पढ़ते हो या CBSE बोर्ड से पढ़ते हो, तो उसके लिए आप मेरे अनदर चैनल को विजिट कर सकते हो अदर सब्जेक्ट्स के लिए। आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप मेरे दूसरे चैनल पर स्टडी कर सकते हैं जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा NIS वाले बच्चों की, वहाँ पर बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की भी। तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब गाइस देख लेते हैं, हमारे कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो गाइस यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, पहला है सोनू जा चुका होगा, दूसरा है तुम सो गए होगे, तीसरा है वह खेल चुका होगा। तीनों ही सेंटेंस मेरे फ्यूचर परफेक्ट के हैं। आप देख सकते हो पहचान क्या है इसकी, चुका होगा, गए होगे, चुका होगा, खा लिया होगा, यानी जो काम फ्यूचर में हो गया होगा, जो काम फ्यूचर में हो चुका होगा, वो सभी हमारे फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। हम क्या करेंगे, इन सभी सेंटेंस के 4 टाइप बना करके देखेंगे। पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप, ऐसे ही इस वाले के और ऐसे ही इसके भी। चलिए गाइस देख लेते हैं, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है सोनू जा चुका होगा। तो देखिए अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है हमारा सोनू। सोनू के बाद हम लिखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल, ठीक है। पहचान आपने कर ली, चुका होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो चुका होगा हमारी ये पहचान है। पहले पहचान का ध्यान रखेंगे आप सेंटेंस की, तो आपका सब्जेक्ट हो गया सोनू, सोनू के बाद विल, विल के बाद आप लगाएंगे हैव, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोनू ने क्या कर लिया होगा, जा चुका होगा, तो हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है ना इसमें, मतलब मेन वर्ब है, सॉरी मेन जो हमारी वर्ब है इसमें क्या काम हो रहा है, मेन वर्ब है इसमें हमारी जाना, तो जाने को हम बोलते हैं गो, एंड गो की थर्ड फॉर्म है गोन। तो सोनू विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, यहाँ पर हमारा सेंटेंस हुआ फिनिश, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो इसमें कोई गिवन ही नहीं है कि सोनू स्कूल जा चुका होगा या सोनू घर जा चुका होगा, ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर सेंटेंस फिनिश हो जाता है। तो सोनू विल हैव गोन। नेक्स्ट है गाइस नेगेटिव बनाएंगे इसका, नेगेटिव बनाएंगे सोनू, फिर हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद नॉट, देन हमारा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपकी गोन। सो सोनू विल नॉट हैव गोन। चलिए क्या से बना करके देखते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा विल, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद सब्जेक्ट है सोनू, तो विल सोनू, उसके बाद क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं तो हम नॉट तो लिखेंगे नहीं, उसके बाद हम लिखेंगे गाइस यहाँ पर हैव, तो विल सोनू हैव, एंड द थर्ड फॉर्म इज गॉन। क्वेश्चन मार्क हम लोग यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन किया जा रहा है। उसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं इसका WH फैमिली, तो इसको हम कौन से क्वेश्चन वर्ड से बनाएं, हम देखते हैं इसको बना करके कहाँ से, कि सोनू कहाँ जा चुका होगा। सो गाइस देखिए यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड है हमारा कहाँ, कहाँ को हम लोग बोलते हैं वेयर, ठीक है। वेयर, वेयर के बाद हम लिखेंगे विल जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है सोनू, सो वेयर विल सोनू, उसके बाद है हमारा हैज, मतलब हैव, ठीक है, हैव, एंड द थर्ड फॉर्म इज गोन। सो वेयर विल सोनू हैव गोन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सोनू जा चुका होगा इस सेंटेंस के 4 टाइप बना करके देखे हैं। सोनू विल हैव गोन, सोनू विल नॉट हैव गोन, विल सोनू हैव गोन, When, where will Sonu have gone? तो यहाँ पर हमने where use किया है। Next हमारा जो है guys हम लोगों का sentence वो है तुम सो गए होगे। First of all हमने इसकी पहचान की है गए होगे, ठीक है, तो जो काम हो चुका होगा या हो गया होगा तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो हो गए होगे का मतलब फ्यूचर परफेक्ट है। अफर्मेटिव बना करके देखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा यू, यू के बाद हम लोग लगाएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल, विल के बाद हमारा आएगा यहाँ पर हैव, ठीक है, और थर्ड फॉर्म है हमारी, यहाँ पर देखो मेन वर्ब क्या है, क्या है हमारी मेन वर्ब, वर्ब है हमारी सोना, तो तुमने क्या कर लिया होगा, तुम सो गए होगे, तो यहाँ पर यू विल हैव, सोने को बोलते हैं स्लीप, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ स्लीप इज स्लैप्ड, सो यू विल हैव स्लैप्ड,
यहीं पर हमारा ये सेंटेंस फिनिश हो जाता है. नेक्स्ट है इसका गाइस नेगेटिव. नेगेटिव में लिखेंगे हम यू, यू के साथ लगाएंगे विल, बिकॉज विल है हमारी हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद हमारा नॉट, यू विल नॉट. उसके बाद है हमारा गाइस हैव, यू विल नॉट हैव. एंड द थर्ड फॉर्म इज स्लीप और स्लैप्ड. ठीक है, सो यू विल नॉट हैव स्लैप्ड. अगला है गाइस हम लोगों का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जो क्या से शुरू होते हैं. तो क्या तुम सो गए होगे, क्या के लिए हम क्या करेंगे, विल निकालेंगे बाहर, विल लगा देंगे पहले, विल. उसके बाद है सब्जेक्ट विल यू, उसके बाद हैव, एंड द थर्ड फॉर्म इज स्लैप्ड. सो विल यू हैव स्लैप्ड. चलिए उसके बाद हम देखेंगे गाइस इसको जो है क्वेश्चन वर्ड वाले से कि तुम क्यों सो गए होगे, क्यों से इसको हम लोग बना करके देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग गाइस यहाँ पर लगाएंगे अपना क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों, क्यों के बोलते हैं वाई, वाई के साथ हम लोग लगाएंगे यहाँ पर. उसके बाद विल, वाई विल. और उसके बाद है सब्जेक्ट यू. उसके बाद हम लगाएंगे हैव एंड देन स्लैप्ड. सो वाई विल यू हैव स्लैप्ड. तो इस तरीके से तुम सो गए होगे इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव स्लैप्ड. नेगेटिव में यू विल नॉट हैव स्लैप्ड. इंटरोगेटिव में विल यू हैव स्लैप्ड. और क्वेश्चन वर्ड वाले में व्हाई विल यू हैव स्लैप्ड. नेक्स्ट जो है गाइस हम लोगों का लास्ट वो है वह खेल चुका होगा. अब देखिए सबसे पहले हमने इसकी पहचान की है चुका होगा से. ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं चुका होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है. सब्जेक्ट है इसमें हमारा वह है, तो वह को हम बोलेंगे ही. ही के साथ लगाएंगे हम जो है विल. विल के बाद लगाएंगे हैव. सो ही विल हैव. और यहाँ पर क्या काम हो रहा है, हमारी जो मेन वर्ब है वो है खेलने. तो खेलने का काम हो रहा है ही विल हैव. खेलने को क्या बोलते हैं गाइस, प्ले. तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड. सो ही विल हैव प्लेड. उसके बाद गाइस इसका नेगेटिव बनाएंगे. नेगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही. ही के बाद विल. विल के तुरंत बाद हम लोग लगाएंगे नॉट. उसके बाद हैव एंड प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड. ठीक है, सो ही विल नॉट हैव प्लेड. इसके बाद क्या से इसको बना करके देखेंगे कि क्या वह खेल चुका होगा. अब क्या के लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, विल को पहले ले आएंगे. उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है ही, सो विल ही. उसके बाद हैव एंड द थर्ड फॉर्म इज प्लेड. सो विल ही हैव प्लेड एंड क्वेश्चन मार्क. उसके बाद गाइस हम इसको देखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले से बना के कि वह, हम इसको कैसे बना सकते हैं, वह कब खेल चुका होगा, हम इसको कब से बना करके देख सकते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कब. कब को बोलते हैं हम व्हेन. व्हेन के बाद लगाएंगे विल. उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट ही. देन हमारा हैव. एंड जो थर्ड फॉर्म है हमारी वो है प्लेड. सो व्हेन विल ही हैव प्लेड. तो इस तरीके से हमने वह खेल चुका होगा कि इंग्लिश बनाई है कि ही विल हैव प्लेड, ही विल नॉट हैव प्लेड, विल ही हैव प्लेड एंड when will he have played. So with this we have done our future perfect tense. If you want to take a small screenshot, so you can easily take from here, तो आप screenshot भी इसका capture कर सकते हैं, so that आपके पास जो है rules वगैरह ये सारी चीज़ें जो है लिखी रहे, आप इनको अच्छे से remind कर सको और revise भी कर सको. ठीक है, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो मेक श्योर इसको लाइक करें. मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सभी वीडियोज़ पहुँचती रहे. इसके अलावा कहीं भी कोई डाउट है सो डू कॉमेंट द कॉमेंट सेक्शन. साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए. और इसके अलावा अगर आपको अदर सब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो उसका जो है पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और साथ ही साथ जितनी भी इससे पिछली वीडियोज़ हैं हमारी, हमारा पूरा प्रेजेंट, हमारा पूरा पास्ट, देन हमारा फ्यूचर के जो हमारे टू टेंसेज हैं, उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. साथ ही साथ आप कुछ ओरल सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे कि हम जा चुके होंगे सो वी विल हैव गॉन. इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं सो वी विल नॉट हैव गॉन. इंटरोगेटिव विल वी हैव गॉन. और डबल एच फॉर्म में इसको हम बोल सकते हैं व्हाई विल वी हैव गॉन. जैसे कि हम कह सकते हैं कि तुम इंग्लिश बोल चुके होगे सो यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश. यू विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश. विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश. व्हाई विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश. तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में जो है सेंटेंस इसी तरीके से बना करके दिखाइए सो दैट मुझे भी पता चल सके कि भी आपने कितना सीखा. साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा फ्यूचर का लास्ट टेंस जो कि होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो वहाँ पर हमारे ऑल टेंसेस कवर मतलब फिनिश हो जाएंगे. आई होप आप उस वीडियो में मुझे ज़रूर मिलेंगे. सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश. थैंक यू एंड गुड बाय.